मेरे अंदर एक और भी आदमी रहता है। जब कोई सौंदर्य की मल्लिका मेरे सामने से होकर इठलाती बल खाती गुजरती है राह पर, तब अंतह मन से प्रेम रस का उद्भव हो हृदय स्पंदन को पोषित करता है। परंतु मुझे लगता है मेरे अंदर एक और भी आदमी रहता है। जब अर्धविक्षिप्त सी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तब रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह उच्च ताप पर प्रवाहित हुआ और आंखों में खिंच गए क्रोध के लाल डोरे, तन गई भ्रकुटी नारी उत्पीड़न को देखकर। लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर इसके अलावा एक और भी आदमी रहता है। शुष्क होंठ, पिचके गाल, पेट में सिकुड़ती अंतड़ियां मरुस्थल सी बन गई, सपाट नारी छाती से चिपका शिशु कंकाल। ऐसा भयावह दृश्य भुखमरी का देख बह निकली आंखों से अश्रुधारा, पिघल गया मन करुणा व दया से। अब मुझे लगता है मेरे अंदर एक नहीं, दो नहीं और तीन भी नहीं, जाने कितने आदमी रहते हैं। जब टूट कर बिखरता हूं मैं तन्हा रातों में, तब दर्द की टीस से तड़प उठता हूं, बेचैन दिशाहीन दृष्टिहीन बनकर मैं भागता हूं पथ पर इधर उधर, तब मुझे डर लगता है मैं मर रहा हूं किश्तों में, और मेरे साथ तिल तिल कर मर रहे हैं मेरे अंदर के आदमी। लेकिन दर्द और गम में मेरे साथ मेरे हमसफर होते हैं मेरे अंदर के आदमी। इंसान कोई भी हो, कोई सभ्यता व संस्कृति से हो, सिख हो या मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, जब कटता है इंसान तब लहू का रंग होता है एक सा और हर इंसान का दर्द होता है एक सा। तभी तो दुख हुआ संकट में एक साथ मेरे संग होते हैं मेरे अंदर के आदमी। तब अलग अलग रूपों में नहीं, सब मिलकर एक होते हैं आदमी। मेरे अंदर एक और भी आदमी रहता है।